हेलो बच्चों, मैं हिंदी टीचर अंजलि वर्मा। आज हम पाठ एक आओ करे प्रणाम से के अभ्यास से कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखवाएंगे जो हम लोग कविता पढ़ चुके हैं। तो आओ करे प्रणाम कविता में हम लोग भगवान को प्रणाम करें, ये तो आपको पता है, और उनकी रचना के बारे में जाना हम लोग ने कि भगवान हमारे पृथ्वी पर हमारे धरती को बनाए, उस पर क्या क्या चीज लगाए, क्या क्या उस पर बनाए, उसमें क्या क्या भगवान ने रचना किया, ये सभी हम लोग जाने। अब हम उसी के अभ्यास से कुछ प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। शब्दार्थ तो मैंने लिखवा दिया आप लोगों को, और शब्दार्थ को आप लोग याद भी करेंगे। तो शब्दार्थ में आप लोगों को लिखवाए थे दिए, विशाल, रचयिता, पर्वत, गुण, प्रणाम, ये छह लिखवाया थे आप लोगों को शब्दार्थ। तो आप लोग उसको याद कर लेंगे। अब हम अभ्यास में चलेंगे। तो आओ करें प्रणाम के अभ्यास में प्रश्न के उत्तर है तो उसमें प्रश्न के उत्तर में क्या है? पहला प्रश्न है कौन है? तो जैसे कि आपकी किताब में प्रश्न थोड़ा सा गलत छप गया है, उसको सुधार के हम लिखवाएंगे। आप लोग एक अपनी कॉपी, जो क्लियर की कॉपी यानी जिसमें आप लोग प्रश्न उत्तर लिखते हैं उसमें ही लिखेंगे। तो कौन प्रश्न है? पहला का कौन है? हमारी धरती पर किसने सुंदर फूल खिलाए हैं? तो हमारे धरती पर, हमारी धरती पर किसने सुंदर सुंदर फूल खिलाए हैं? तो इसके उत्तर होंगे भगवान लिखे या ईश्वर, जो भी हो, हमारी धरती पर हमारी धरती पर ईश्वर ने सुंदर सुंदर फूल खिलाए हैं, ये क का उत्तर हो गया आपका। और ख में है अगर हमारी धरती पर सुंदर फूल की टलियां नदियां
और पर्वत। नौ हो तो धरती कैसी लगेगी? तो पहला प्रश्न है, हमारी धरती पर किसने सुंदर सुंदर फूल खिलाए हैं? तो उसके उत्तर है, हमारी धरती पर ईश्वर ने सुंदर सुंदर फूल खिलाए हैं। और ख है, अगर हमारी धरती पर सुंदर फूल, तितलियां, नदियां और पर्वत न हो तो धरती कैसी लगेगी? तो बच्चों कैसी लगेगी हमारी धरती? उसके उत्तर है, तितलियां, नदियां और पर्वत। नौ हूं तो हमारी धरती बेरंग लगेगी। बेरंग लगेगी यानी बिना मतलब का। तो अगर हमारी धरती खा प्रश्न है, अगर हमारी धरती पर सुंदर फूल, तितलियां, नदियां और पर्वत ना हो तो धरती कैसी लगेगी? उसके उत्तर है, अगर हमारी धरती पर सुंदर फूल, तितलियां, नदियां और पर्वत ना हो तो हमारी धरती बेरंग लगेगी। तो ये आपके हो गए प्रश्नों के उत्तर। अब प्रश्न दो में, अभ्यास के प्रश्न दो में आएंगे। दो प्रश्न दो, नीचे दिए गए शब्दों को एक या अनेक से मिला लीजिए। नीचे दिए गए शब्दों को एक या अनेक से मिलाइए। जैसा कि आपके किताब में ये दिया हुआ है, पृष्ठ संख्या दो में है अभ्यास का दूसरा प्रश्न, तो आप किताब में मिलान करिए या कॉपी में भी लिख सकते हैं इसको, इस प्रश्न को। तो जैसे हमने लिखा वैसे कॉपी में लिखिएगा। तितलियां आकाश और तितलियां, फिर सूरज, चींटियां, पर्वत। ये आपके पांच शब्द हैं इधर, और फिर यहां पर है ए अनेक, तो इसे एक और अनेक से मिलाना है।
अब इधर उसके विपरीत साइड में क्या है, हाथी, तारे, चांद, अल्लाह और ब्रह्मांड। तो ये आपके शब्दों का इधर ब्रह्मांड। तो अब इस इन सभी शब्दों में से आकाश, धरतिया, सूरज, चीटिया, पर्वत, हाथी, तारे, चांद, अल्लाह, ब्रह्मांड, तो इन सभी शब्दों में एक कौन है और अनेक कौन है, इसी को इसमें मिलाना है। तो आकाश एक, आकाश क्या एक ही हुआ ना, एक आकाश को एक से मिलाएंगे। तितलियां अनेक, एक तितली होती तो तितली, उसको तितली लिखते तो तितली एक से मिलता, लेकिन यहाँ क्या है शब्द तितलियां, तो तितलियां को अनेक से मिलाएंगे। सूरज एक, चींटियां अनेक, पर्वत एक, हाथी एक, तारे अनेक, चांद एक, अल्लाह एक, ब्रह्मांड एक। तो ये आपके हो गए शब्द मिल गए। तो आकाश एक हो गया, एक से मिलाएंगे, तितलियां अनेक से मिलाएंगे, सूरज को एक से मिलाएंगे, चींटियां अनेक से मिलाएंगे, पर्वत को एक से मिलाएंगे, हाथी एक मिलाएंगे, तारे अनेक, चांद एक, अल्लाह एक, ब्रह्मांड एक। तो ये आपके हो गए।